आपको हम अभी दावत हो गया कि नॉन एपीएसटी, आप अपना एसटी को सरेंडर कीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है बोलने से, हम लोग तीन महीने के बाद जब लीगल जाएगा गांव बुरा, आप लोग भी फंसेगा जो अगर इशू किया है। क्लियर मैसेज है जी। हाँ नमस्कार दोस्तों, जितने भी अरुणाचल प्रदेश के जनता लोग को मैं इस चैनल का माध्यम से मैं पूरा आज का जो बेतक है मैं उसको बता दूं। आज हम लोग जितना जो अरुणाचल प्रदेश ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान के कमिटी जितना जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम लोग अपॉइंटमेंट जो है आज के डेट में पूरा अपॉइंटमेंट हम लोग दे दिया गया है। और इस अपॉइंटमेंट में लगभग 27 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग दे पाया है। ओनली रिमेनिंग सिर्फ लोअर सुबनसिरी जीरो सिर्फ आज का डेट में नहीं हुआ है और कोई भी विलिंग नहीं है जीरो का तरफ से। ये क्या हो सकता है, क्या का वजह से हो सकता है वो आप लोग समझ रहा होगा कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट सिर्फ क्यों नहीं हो पाया है, तो उसको जनता लोग सिर्फ आप लोग ही समझ सकता है, मैं उसको डिटेल ही नहीं बता पाऊंगा। बट उसको जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की तरफ से हमेशा फोकस रहेगा उसका ऊपर में, हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए हम लोग का तरफ से कोशिश करेंगे। और जितना जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन जो अपॉइंटमेंट किया है वो सब सारा हमारा साथ में है, सब करे है। और उसी के साथ हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट का आज रेजुलेशन लेके आया है अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान। जितना जो कमिटी डिस्ट्रिक्ट से आया है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जितना जो आए हैं वो सिर्फ हम लोग 3 पॉइंट का रेजुलेशन लेके आया। और उस 3 पॉइंट में उतना ही सिर्फ है कि ये जो आज का 19 में एक महीना होता है और दूसरा और 2 महीना आप लोग का पक्ष में बचा हुआ है, जो जितना जो ऑफ स्प्रिंग और जो नॉन एपीएसटी जो इलीगली जो एसटी ऑप्टेन किया है आप लोग का पास अभी भी 2 महीना समय है कि आप सरेंडर करने के लिए मौका है आपका। और अगर यहाँ कोई अगर न्यूज को पता नहीं चल भी जाता है तो तभी भी उस खबर को आप लोग बता दीजिए कि 19 दिसंबर तक हम लोग का सरेंडर अभियान का जो मौका दिया वाला वो 19 दिसंबर 2024 तक रहेगा। और उसके साथ अगर नहीं मानता है तो वो आप लोग का बात होगा, और अगर मान भी जाता है तो वो आपके लिए ही अच्छा है। और उसी के साथ हम लोग 2 नंबर पॉइंट में जाना चाहूंगा, अगर एसटी सरेंडर अभियान और ऑफ स्प्रिंग का जितने लोग जो है जाने अनजाने में जो लोग लेके रखा है उसके लिए हम लोग जो मौका दिया, अगर ये जो कल को पिलर होता है तो आफ्टर 19 दिसंबर के बाद 2024 नया साल के बाद हम लोग अलग सा एक हम लोग मेमोरेंडम सरकार के ऊपर डालेंगे कि गजट नोटिफिकेशन सरकार के तरफ से एसटी को जितना जो इलीगल ऑप्टेन किया और जितना जो ऑफ स्प्रिंग जो अपना माँ का टाइटल में जो नॉन एपीएसटी में शादी करने के बाद जो अपना बेटा बेटी को अपना माँ का टाइटल में रखा है तो उसको ऑफिशियली सरकार के तरफ से एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन हम लोग उसको गजट हम लोग जारी करने देने के लिए हम लोग का तरफ से एक मेमोरेंडम हम लोग डालेंगे। ये है 2 नंबर पॉइंट। उसके बाद में उसका साथ ही साथ में ये जितना जो ये जो गजट नोटिफिकेशन होगा तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना जो डिस्ट्रिक्ट को अपॉइंटमेंट किया है वो अपना डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी अपना जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी को भी ये लोग डालेंगे मेमोरेंडम। साथ ही साथ में हम लोग सरकार को जितना जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के तरफ से हम लोग सरकार को डालेंगे। और उसी के साथ हम मैं 3 पॉइंट में आना चाहूंगा। 3 पॉइंट में हम लोग ऐसा रेजुलेशन लाया है कि हमारा जो इस ऑफ स्प्रिंग जो एसटी सरेंडर अभियान का मुहिम को और भी तगड़ा होने के लिए, ताकि गांव गांव तक ये खबर पहुंचने के लिए और गांव गांव के जितने जो दूर दराज में जो जाने अनजाने में लोग एसटी और ऑफ स्प्रिंग लोग है ये न्यूज को नहीं मिल पाता है उसको हम लोग आसान तरीका से उसको जान पाने के लिए और उसका खबर लेने देने के लिए हम लोग इसमें इंडोर्स किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आज जो अपॉइंटमेंट किया है वो डिस्ट्रिक्ट जो है सर्कल वाइज इस ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान को फिर क्रिएशन करेंगे इस 2 महीना के अंदर। और ये जो जितना जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन लोग है तो कल के बाद ये लोग काम शुरू करेंगे और ये लोग बहुत ही
दिल और तन मन से जितना जो दूर दराज से है, अपना मन को आपका सेवा के लिए, जनता का आवाज के लिए, जनता का जो हक के लिए, जो एसटी जो क्या मिलना चाहे, जो एसटी कोटा एक्चुअली में क्या चीज है, और प्योर एसटी यहाँ अरुणाचल प्रदेश एक इंडिजिनस का एक आइडेंटिफिकेशन है, उसको कैसे करके हम लोग बचाना है। आज का समय राइट टाइम है, तो काफी लोग अभी हम लोग का पास में डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना जो लिस्ट आया है वो हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग भी ये लिस्ट को देखिएगा तो बहुत सरप्राइज होगा। तो इसलिए हम लोग सर्कल वाइज हम लोग क्वेश्चन करके ये जो इश्यू को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अगर ये 3 महीना का बात नहीं करता है, अगर इस गैजेट नोटिफिकेशन को सरकार को हम लोग जितना हो सके हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल वाइज का जितना जो एजुकेटिव लोग है हम लोग सब मिलके सरकार के ऊपर हम लोग मेमोरेंडम डालेंगे। अगर इसमें सरकार नहीं मानता है तो उसका क्या फर्दर स्टेप होगा वो हम लोग उस समय समय पे हम लोग आप लोग को इस मीडिया के जरिए, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग आप लोग को बताया जाएगा। और उसी के साथ जितना जो कंफ्यूजन है अभी बहुत सारा लोग जो है कंफ्यूजन है, आज हमारा जितना डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव लोग भी बहुत चर्चा किया है कि जितना जो लिस्ट है आप लोग जो दे रहा है वो हम लोग आज का बात आप लोग जितना जो डिस्ट्रिक्ट में जो लिस्ट आया है आप लोग का सस्पेक्ट एंड आप लोग पता चल के लिस्ट दिया है, तो हम लोग का जितना जो सेंट्रल एजुकेटिव का वो लिस्ट जो है हम लोग का सस्पेक्ट में होता है, तो आप लोग तो पता चल के दिया होगा। तो उसका ऊपर में डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग जो चेयरमैन है उसको हम लोग प्रोवोक कर देंगे, आपका जो नाम दिया है उस नाम को लेकर हम लोग ये भी हम लोग निर्णय लिया है कि अरुणाचल प्रदेश जो गांव बुरा एसोसिएशन है वो उसको हम लोग बहुत ही जल्द मिलकर उसका साथ भी बेतक बेतेंगे। और जितना जो कंसेंट सीओ डीसी गांव बुरा जितना जो एसटी जो एनओसी देता है और जो जिसका पास अथॉरिटी जो एसटी देने का उसका पास में अथॉरिटी है उसका ऊपर में भी हम लोग उस नाम को लेकर हम लोग छानबीन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में हम लोग हैंड ओवर कर दिया गया है, वो कल से उसका जो कार्रवाई शुरू करेंगे। और जितना जो डाउट लिस्ट है आपका पास में तो वो हम लोग को अभी भी जमा कर सकते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास अगर आपको नंबर नहीं मिल पाता है तो हमारा सेंट्रल एजुकेटिव जितना जो अवेलेबल है तो उसको आप एनी टाइम हम लोग को उस नाम को दे सकते हैं। प्लीज अगर जब अगर ये नाम देता है तो आप कृपया करके डिस्ट्रिक्ट सर्कल है तो जितना जो पुलिस स्टेशन है उसको जितना जो ब्लेज है उसको आप लोग क्लियरली मेंशन करके भेज दीजिए कि ये उस जगह से है, ताकि हम लोग इजी जितना इजी हो सकता है उतना जो पॉसिबल होने के लिए कि उस जगह में हम लोग जो गांव बुरा है एंडोर्स करने के लिए और बताने के लिए कि उस आदमी को जांच करो बोल के हम लोग सबसे पहले गांव बुरा का ऊपर में दिया जाएगा। और मैं ये भी बता दूं जितना जो गांव बुरा है वो सके तो हमारा उस जितना जो ऑफ स्प्रिंग जो एसटी सरेंडर अभियान जो कमिटी है उसको जितना हो सकता है गांव गांव से आप लोग उसको साथ में उसका साथ मिलकर एक कथा होकर उसको साथ दीजिए कि हम सच में अरुणाचल प्रदेश एक इंडिजिनस स्टेट है, उसको एक आइडेंटिफिकेशन को बरकरार रखने के लिए, ताकि कल को ये अरुणाचल का डेमोग्राफिक चेंज ना हो कि यहाँ का ट्रेवल और नॉन ट्रेवल कैसे होगा पता चलने के लिए कि आपका गांव बुरा का हाथ में है और ग्राम पंचायत का हाथ में है, वो आप लोग कोऑपरेट करें हमारा इस डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ये जो आपने बताया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एक सस्पेक्ट वाला जो लिस्ट आया ना, तो पूरा ऑल ओवर अरुणाचल से अभी तक कैसे कितना है टोटल सस्पेक्ट जो लिस्ट में? जितना जो लिस्ट आया है हमारा पास में तो कम से कम 200-300 आदमी का है, 300 ज्यादा पार हो चुका है अभी तक जो हम लोग का डाटा रिकॉर्ड का हिसाब से पूरा डिस्ट्रिक्ट का हिसाब ऑल अरुणाचल का जितना जो डाटा है वो 300 लगभग आया है। और उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको हम लोग जांच करने देंगे कि और डिस्ट्रिक्ट के पास में भी लिस्ट है, हम लोग उसको इंक्लूडिंग नहीं किया है। जितना जो हम लोग को व्हाट्सएप में भेजा है वो हम लोग सिर्फ लिस्ट आउट किया है, एंड जितना जो अभी हम लोग 7-8 आदमी का तो वो बाय नेम में हम लोग जो पसीगत एंड आलोका वाला को तो हम लोग डीसी को हम लोग ऑलरेडी हम लोग यहाँ से लेटर भेज दिया गया है। डीसी भी अभी उसके लिए बहुत कग्निजेंस ले रहा है कि बहुत अच्छा डीसी भी अभी कोऑपरेट कर रहा है। वो जो बाय नेम में जो
कंप्लेन देता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अभी कमिटी को, वो उसको हम लोग भी एफआईआर दे सकता है, क्योंकि वो कंफर्म है कि वो नॉन एपीएसटी है। और कोई कोई लोग क्या बोलता है कि उसका जो नाम को मत बताओ, रिवील मत करो बोलता है, तो वैसे वाला को हम लोग लिस्ट आउट किया है कि 300 ज्यादा लगभग हम लोग का पास में है। और यहाँ में 6-7 आदमी को तो क्लियर है, उसका नाम को तो हम लोग का अपना पेज का माध्यम से भी हम लोग डिस्क्लोज कर दिया कि ये नाम है बोलकर। ऐसे अगर आप लोग रिटर्न में कंप्लेन देगा, वो हमारा सेंट्रल एजुकेटिव और डिस्ट्रिक्ट एजुकेटिव लोग भी ही उसको एफआईआर अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो कमिटी का नाम से भी उसको एफआईआर दिया जा सकता है। ये है सबसे हाईएस्ट को तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आज ही डिस्ट्रिक्ट का जो गठन किया ना, तो बाकी जितना जो गठन करने का बात में उसका डाटा को हम लोग फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग कलेक्ट करेंगे, तभी मैं एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कितना है क्या है वो आफ्टर ये डिस्ट्रिक्ट लोग काम करने का बात ही हम लोग बता पाएगा। सर आपने जैसे कहा है कि आपका ये शुरू होने वाला 1 मंथ हो गया है, तो इसके अंदर में आपने कितने पोस्ट सरेंडर देने को कह दिया या फिर कितने लोगों ने सरेंडर दे दिया, इसके बारे में बता। ये बहुत खुशी की बात है, ये आप लोग क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के जरिए सारा अरुणाचल प्रदेश जाने कि हमारा जब सेंट्रल एजुकेटिव जितना जब डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन नहीं होने पहले, हम लोग नहीं बनाने पहले, हम लोग 5 लोगों को सरेंडर करवा दिया गया है। और वो 5 लोगों को हम लोग कोई टॉर्चरबाजी नहीं किया, कोई हम लोग जबरदस्ती नहीं किया, वो लोग हम लोग का सोशल मीडिया आप लोग का चैनल का माध्यम से हम लोग को वीडियो को देख के न्यूज को देखने के बाद हम लोग को पर्सनली कॉल करके बोला कि हम लोग आज से ये उसको सरेंडर कर रहे हैं बोल के। उसका नाम को तो आप लोग ऑलरेडी पता है ही है, एक तो नंबर 1 जो पहले जो सरेंडर किया था, एक तो नाभम तकिया बोल के, वो उसके तकिया के लिए भी हम लोग बहुत सा एक मदद कर रहे हैं कि उसका माँ पिताजी को गया। अभी आदिवासी ज्योति ट्रब एक तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, वो जो है उसका पिताजी को खोजने में लगा रहा है और वो आज तक नहीं मिल पाया। तो बात अभी उन लोग का ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से ये बोल रहा है कि अनाथ आश्रम का जरिए उसको एक डॉक्यूमेंट, आदमी को जीने के लिए एक तो सबूत चाहिए, तो उसके लिए अनाथ आश्रम के तरफ से भी बोल कोशिश किया जा रहा है। एंड 2 नंबर में होगा एक तो मुरंग एलिस, वो एक्चुअली मुरंग एलिस नहीं था, वो अपना आप सरेंडर किया, वो आप लोग देखा होगा। एंड उसी के साथ 3 नंबर में होगा हम लोग का एक तो था गोलो ततुंग, वो एक्चुअली गोलो ततुंग नहीं था, मुन्ना गुमलाया बोल के था, वो दोलहत का है, वो अपना आप जो सरेंडर किया है। और उसी के साथ और एक तो था पूरा लिली, उसका जो आपातानी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो जो है उसका माँ जो है आपातानी थे और वो जो है नॉन ट्राइबल में शादी गया, तो लेकिन उसका पूरा टाइटल में देखे रखा है। बात वो जो बोला कि आज से हम मेरा माँ जो है पिताजी लोग जाने अनजाने में उसको चौथा में दे दिया, तो सच में एसटी को देखा है तो उसका पोतो पूरा चौथा का ही दिया है, वो अपना आप सरेंडर किया है। और एक था हम लोग 5 लोगों को सरेंडर करवा दिया गया है, और उसको आप अगर ऑफिशियली अगर कॉपी चाहिए है तो उन लोग को हम लोग एक मौका दिया गया कि हम लोग का ऑफिस में, और एक तो हम लोग एपिडेमिक हम लोग बनाया है उसको उन लोग साइन करके, उसका बात में हम लोग उसका डीसी का तरफ से भी जो हम लोग जितना पॉसिबल हो सकता है उसको जो मदद कर सकता है वो हम लोग मदद ही कर रहा है। यहाँ में हम लोग किसी को लीगली कॉम्प्लिकेशन हम लोग दे रहा ही नहीं है आपको, मैं इसलिए आप लोग नाम पूछ रहा है इसलिए मैं बता रहा है। और उसका साथ में और एक तो था और एक था कमले साइड से एक राके मंजू बोल के, वो भी अपना आप से वॉलेंटियरली आके सरेंडर किया है। ये ही हम लोग का अचीवमेंट है जो सरेंडर का अभियान का मकसद से अभियान इसलिए हम लोग कर रहा है कि जाने अनजाने में बहुत सारा लोग जो है माँ पिताजी मालूम नहीं होके दल के रखने वाला, उसके लिए हम लोग मदद करा। अगर इस मौका में आप लोग पैदा नहीं उतरेगा, कल को लीगल कॉम्प्लिकेशन डेमोक्रेटिकली हमारा अरुणाचल के जब यहाँ के इंडिजिनियस जब गुस्सा में आ जाएगा सड़क में उतर जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन को आप लोग झेलना नहीं चाहता है, अभी लास्ट मौका है, आप अपनाए इस मुहिम को। यही है आज बहुत बहुत खुश भी है, लेकिन एक चीज के लिए थोड़ा दुख भी है। आप लोगों को सुन के अच्छा भी लगेगा, खराब भी लगेगा और ताजुब भी लगेगा। आज हमारा 28 डिस्ट्रिक्ट से मीटिंग था और 28 डिस्ट्रिक्ट से 27 चेयरमैन आया हुआ है और कोई नहीं आया तो कोई 22 चेयरमैन को भेजा गया है। लेकिन आप लोग सुन के ताजुब लगेगा कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है
वो डिस्ट्रिक्ट ना हम लोग का फोन उठाता है, ना हम लोग को अप्रोच करता है, हम लोग ये अभियान में साथ देगा बोलने वाला। और उसको दूसरा गलत भी नहीं सोचना है, वो डिस्ट्रिक्ट है जीरो लोअर सुबनसिरी, सिर्फ एक को छोड़ के सारा डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन आया हुआ है, सारा डिस्ट्रिक्ट का मेंबर आया हुआ है, कमिटी एजुकेटिव मेंबर आया हुआ है, लेकिन सिर्फ जीरो से नहीं आया। ये जस्ट आप लोग को ये आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ जीरो का नहीं आया है, बाकी सब आज बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रहा, बहुत अच्छा मीटिंग रहा। और आज का डिस्कशन भी ऐसे नहीं है कि ताव पोल तना तमा गई वगैरह ये सब सिर्फ डिसीजन दिया, आज एक एक चेयरमैन से हम लोग व्यू को लिया है और सबका व्यू बहुत पॉजिटिव था। और अभी हम लोग जो डिसीजन लिया उन लोग भी सेटिस्फाई होकर अभी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट वापस जाएगा। और यही माध्यम से जितना डिस्ट्रिक्ट से आया है सबको हम धन्यवाद देना चाहेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट से एक एक वॉरियर आया है, सिर्फ एक वॉरियर नहीं आया वो अलवर सुबनसिरी से, वहां से सिर्फ नहीं आया। और क्यों नहीं आया है वो शायद जनता खुद सोचने से ठीक है, और हम लोग तो समझ गए क्यों नहीं आया है। और कल को ये बात को सुन के आने दिलन से फिर भी वेलकम आप लोगों को, कोई अगर है कि एसटी के लिए फाइट करने के लिए अपना राइट को लड़ने के लिए कोई अगर जीरो में है सोचने से, कल भी हम लोग को फोन करके आ सकता है। दूसरा बात मैं अभी फिर से क्लियर बता रहा हूं, कोई भी गार्जियन अगर नॉन एपीएसटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रहा है बोलने से, वो आप लोगों का गलत फहमी होगा। आप लोगों को मैं समझने के लिए एक बात बता दूं, देखिए गाय बकरी पालो नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरा का खेती में घुस के हम लोग का दाना को खाने के लिए ऐसा मत करो, आप समझ रहे हैं ना। गाय बकरी पालने के लिए सोचने से आप अपना घर में बांध के रखो ना, क्यों छोड़ के आपने दूसरा का हक को खाने दे रहा है, बात को समझ देती क्या आप लोग। और जो ये नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग का जो बेटा बेटी लोग है, मेरा मेरे खुद का कितना रिलेटिव लोग है, हम लोग तो सिर्फ प्यार से बोल रहे ना सरेंडर कर दीजिए बोल के, तो आप लोग इसमें सरेंडर करने में प्रॉब्लम क्या है। कल को फिर तीन महीने का बाद हम लोग कदम उठाएगा, फिर बोलेगा ताना तमर लोग सोशल एक्टिव लोग अच्छा नहीं है, इतना तक करता है क्या, ये बोलने के लिए क्यों मौका दे रहे है। और आपको मैं बता दो हम लोग का गाड़ी में बैक गियर नहीं है, हम लोग सिर्फ एक दो गियर है, सिर्फ जाते रहेगा, बैक गियर नहीं है हम लोग, हम लोग कमिटी में बैक गियर नहीं है, आप लोग बात समझ रहे हैं ना। जब हम लोग एपीसीएस के लिए एक महीना जेल भेज सकता है, जब हम लोग एपीसीएस के लिए एक महीना जेल भेज सकता है, तो अपना राइट के लिए तो हम लोग शायद तीन महीना में बैठेगा क्या, बाकी पता नहीं, लेकिन हम तो अभी भी बोल रहे हैं तीन महीना बैठेगा, पीछे खड़ा करने वाला पाओ अगर हिल रहा बोलने से चिंता मत करो। इसलिए बोला अपने राइट को अगर लड़ने में क्या है, आज यहां जितना कमिटी आया जितना चेयरमैन आया सब लोग तो अपना अपना, हम लोग ऑलमोस्ट बरबेली हम लोग ब्रिज ऑफ ट्रस्ट होता है जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुका है। देखिए अगर आप लोग सोचता है कि लीगली जाओ सोचने से, तो आप लोग तो पछता है फिर भी, दो साल 332 बीएनएस में भी आप लोग पछता है, दो साल का सजा होगा, 20,000 जाएगा आपका, वो सब करने के बदले अच्छा से सरेंडर करके हम लोग का साथ अंकल अंटी के साथ आराम से रहो ना। और हम लोग का जो लड़की लोग जो नॉन ट्राइबल शादी कर, शादी कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आप लोग को, अभी भी बोल रहे शादी कीजिए, मेरा बहन को भी बोल रहा अगर कोई नॉन एपीएसटी पसंद है तो ले लो, लेकिन बच्चा को नॉन एपीएसटी का टाइटल दो, अपना तना का देना नहीं। इसलिए बोल रहा आज का मीटिंग को हम बहुत सेटिस्फाई हुआ, और जैसे जैसे आप लोग का जो ये पीछे जो खड़ा कर रहे लोग का जो बात को सुन के हम लोग को जो इंकरेज मिला, और हमारा जो लीगल एडवाइज जो गया बात एडवोकेट साहब जो आज हम लोग को बताया सुन के, तो हम लोग का पूरा गुस्सा निकल गया सुन के, इतना अच्छा अच्छा देखिए। और कितना अरुणाचल में एडवोकेट लोग है, लॉयर्स लोग है, सब लोग निकाल के आने। तीसरा बात आप लोग को एक बात सुन के ताजुब भी लगेगा फिर से, ये इशू ऐसा इशू है जहां टॉप टॉप सोशल एक्टिविस्ट जो खुद को ठीक करेगा ये करेगा करने वाला भी बहुत सारे सोशल वर्कर लोग है, आज पांव हिल गया उन लोग का, हवा उड़ गया उन लोग का, आज ऐसा ऐसा लोग भी नहीं आया कोई लोग। और जो खुद को स्टूडेंट लीडर बोलने वाला, एसोसिएशन को रन करने वाला, सबका हवा निकल गया आज, कितना शर्म का बात है। खुद को सोशल वर्कर सोशल एक्टिविस्ट को अगर बोलता है स्टूडेंट लीडर बोलता है पब्लिक लीडर बोलता है, तो अरे अपना राइट को तो पहले बचाओ ना, उसका बात वो पत्थर फेंकने वाला जगह जाओ ना, जंगल काटने वाला जगह जाओ ना, क्या छोटा मोटा इधर उधर का इशू को आप लोग इतना सीरियस हो रहे हैं।
एसटी को बचाने वाला, जो एसटी के लिए लड़ेगा वो असली वॉरियर है, वो असली हीरो है, वो असली लीडर है। हम खुद को तारीफ कर रहे बोल के ना, हम लोग पीछे को तारीफ कर रहे बोल के ने, और एसटी को लड़ने नहीं सक रहे, तो आप क्या को यहाँ में छोटा मोटा एसोसिएशन स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बड़ा बड़ा एक्टिंग करता है। करना है तो एसटी को बचाने के लिए कोशिश करो, बार बार बोल रहे हैं। आज जो एडवोकेट साहब बोला उसको सुन के तो हम और अलर्ट हो गया, अदरवाइज हम लोग अभी अलर्ट नहीं होगा ना। सारा ये दो साल में ये अलग वो त्रिपुरा मणिपुर जो बोला था वही हो जाएगा। तो आज सुबह से लेकर आज शाम तक बहुत मीटिंग बैठा, खाना पीना खाया। अभी हम लोग थैंक यू सो मच, हम लोग का जितना भी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव आया है। दूसरा बात, बस्ती का गांव बुरा जो है और जो एसटी इशूइंग अथॉरिटी है और जो नो एनओसी देता है गांव बुरा लोग, देखिए आप लोग को कहीं ना कहीं मिसगाइड करके कोई एसटी लिया है, हम लोग खबर मिल गया। तो आप लोग के साथ अभी भी समय है कि जिसको आप एसटी इशू किया है उसको आप एक लेटर भेजिए, वेरीफाई कीजिए। अरे आपको हम अभी दावत हो गए कि नॉन एपी एसटी, आप अपना एसटी को सरेंडर कीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है बोलने से, हम लोग तीन महीने के बाद जब लीगल जाएगा गांव बुरा आप लोग भी फंसेगा जो अगर इशू किया है। क्लियर मैसेज है। और हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर को सबको पहचान के रखिए, अगर कोई नॉन एपी एसटी ऑफिसरिंग का मेंबर है बोलने से आप लोग डिस्ट्रिक्ट में जितना है रिस्पेक्ट से, ये लोग क्योंकि सोशल वर्क कर रहा है, कोई इन लोग का ऊपर गाली गलौज नहीं करना है। मेरा रिक्वेस्ट है अगर कुछ गलत बोल दिया तो भी ये लोग को माफ कर देना है, क्योंकि किसी को देखने में नॉन ट्राइबल जैसा लगता है, बता देने से गुस्सा हो जाता है। अभी इसको सब साथ देना पड़ेगा, सब साथ देना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई गलती बोल भी दिया, मेरा एग्जीक्यूटिव मेरा मेंबर लोग कोई गलती से डिस्ट्रिक्ट में किसी को पकड़ भी लिया, देखा तो वो ट्राइबल निकाल गया बोले, आप माफ कर देना है क्योंकि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। हम बोल के आइए, अभी शरीफ ने जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है नॉन एपीएसटी जो एसटी का कोता में कर रहा है, 2002 में कहीं ना कहीं फिशरी डिपार्टमेंट में एक आदमी जो एसटी था, नॉन एपीएसटी था, जो एसटी सर्विस एसटी लेके नौकरी कर रहा था, उसको कहीं ना गवर्नमेंट में प्रोविजन है कि आप नॉन एपीएसटी को एसटी का कोता में कर रहे बोलने से आप या तो सरेंडर करो या तो जनरल कोता में कन्वर्ट कीजिए। अगर उसमें भी प्रोविजन नहीं है तो आप एसटी में अगर नौकरी करें तो आप हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट को टैक्स देके बैठो, क्या प्रॉब्लम है? आप हम लोग का कमाई को खाके बैठेगा, ये हम नहीं मानेगा ना। प्रोविजन है, आप अगर एसटी का हमारा एसटी कोटा में आप नौकरी कर रहे तो आप टैक्स देके बैठो ना अरुणाचल गवर्नमेंट को, उसके लिए वॉलंटियर हो, वॉलंटियर होना पड़ेगा ना। केस लड़ेगा हम लोग मानेगा नहीं, केस लड़ेगा मानेगा नहीं। पहले सरेंडर तो कीजिए, पहले अपना सरेंडर तो कीजिए, उसमें आप क्लियर होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सबके लिए अपना अपना राइट बना के रखा है। आप टाइप मार लीजिए, देखिए आप अगर सरेंडर करेगा, आप नौकरी कर रहे हैं बोलने से, आप कहीं ना कहीं अगर जनरल कोटा में कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें भी प्रॉब्लम प्रोविजन होगा। अगर नहीं है बोलने से तो आप अगर कर ही रहे बोलने से तो आप हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट को टैक्स देके बेतो, आप क्या कहां से पावर मिला कि अरुणाचल का पैसा को आप आराम से टैक्स दरमा खा के बेतेगा? ये नहीं होगा। ये मेरा तरफ से क्लियर मैसेज है, धन्यवाद।